सब्सक्राइब कीजिए एन ग्रुप यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दिवाली रोशनी, आनंद, उत्साह, उल्लास और खुशियों से भरा एक पर्व है। नए कपड़ों की खरीदारी करने और स्वादिष्ट भोजन की तैयारी करने से लेकर मिठाइयाँ खाने और विधि विधान से पूजा करने तक यह त्यौहार मंगल कामनाएं लेकर आता है। रोशनी के लिए बल्ब और लाइटिंग के साथ लोग पटाखे भी चलाते हैं, हालांकि उन्हें एहसास नहीं होता है कि वे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और इस प्रदूषण का असर सबसे ज़्यादा हमारे देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है। दिल्ली की हवा दिन बर दिन जहरीली होती जा रही और ऐसे में बच्चों, बूढ़ों के साथ युवाओं का भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिवाली पर चलने वाले पटाखों से हानिकारक गैसें निकलती जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैसों से हमें स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे आँखों में जलन होना, सिर में दर्द होना, बेचैनी होना, अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सभी। तो दोस्तों, हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा जिससे हम दिवाली का आनंद भी ले पाएँ और अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी बात, हमें पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि पटाखों में बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैसें होती हैं जो हमारे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाती ही है, उसके साथ साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत ही बुरा असर डालती हैं। प्रदूषण से बचने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना होगा। हमें अपने आप को इतना फिट बनाकर रखना होगा कि बाहर में उपस्थित जहरीली गैसों का असर हम पर कम से कम हो सके। इसके लिए जहाँ तक हो सके हमें दिन में उतना ज़्यादा पानी पीना है। दिन में लगभग आपको 4 लीटर तक पानी पीना ही है। प्यास लगने का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। कुछ वक्त के बाद 1-2 घूंट पानी पीते रहें। घर से बाहर निकलते वक्त भी पानी पिए। इससे क्या होगा, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी। वातावरण में मौजूद जहरीली गैस अगर ब्लड तक पहुंच भी जाएंगे तो वो आपको कम नुकसान पहुंचाएंगे। बाहर से आने के बाद गुनगुने पानी से मुंह, आंखें और नाक साफ करें, हो सके तो भाप भी ले लें। इसी के साथ अपने खाने की क्वालिटी को बढ़ा दें, फैटी फूड खाने से बचें, सेब, ब्रोकली, अखरोट, बीन्स आदि खाएं, क्योंकि इनमें बहुत ही अधिक मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसी के साथ आपको गुड़ का सेवन भी जरूर करना चाहिए। ये पदार्थ आपके शरीर में उपस्थित प्रदूषण के कणों को बाहर निकालने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इसी के साथ ये सभी पदार्थ बहुत ही अच्छे ब्लड प्योरीफायर का भी काम करते हैं, जिससे आपके खून में उपस्थित गंदगी बाहर निकल जाती है। अस्थमा के रोगी अपने साथ अपने इनहेलर को जरूर रखें, रिफिल्स भी मंगवा लें और इस बात का ध्यान रखें कि आपका इनहेलर एक्सपायर ना हुआ हो। साथ ही समय आने पर अपनी जरूरी दवाइयां जरूर खरीद लें, क्योंकि त्योहारों के मौसम में अधिकतर दुकानें बंद ही होती हैं। अस्थमा के साथ साथ ही दिल के मरीज भी अपनी दवाएँ वक्त पर और रेगुलरली, कहीं बाहर जाने पर दवा मिस ना होने दे। कोई भी डोज आपको मिस नहीं करनी है, ऐसा होने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। अगर दिवाली के दौरान पटाखों या अन्य किसी कारण से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर किसी तरह की घबराहट हो रही है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां धुआं और प्रदूषण कम हो। गहरी सांस लें, गीले कपड़े का मास्क पहने। अगर फिर भी आपको लगे कि समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है तो अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। दिवाली के कारण प्रदूषण का स्तर दुगना हो जाता है, इसीलिए बाहर निकलते वक्त हमेशा अपने मास्क को जरूर पहनें। हमेशा ऐसा मास्क खरीदें जिनकी रेटिंग N95 हो। मास्क लेने से पहले इस बात की अच्छे से जांच कर लें कि ये आपको सही से फिट होगा या नहीं। ऐसा नहीं होने पर गैस से प्रदूषित हवा भीतर जाती रहेगी और मास्क का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। बच्चों के लिए आपको छोटे साइज के मास्क भी मिल जाते हैं। साधारण हरे या नीले क्लिनिकल मास्क ज़्यादा काम के नहीं होते। वैसे तो लगभग हर तरह के मास्क की एयर पोल्यूशन के सामने बेअसर रहते हैं। अगर सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ है तो मास्क लेने के लिए डॉक्टर से भी राय ली जा सकती है। वैसे मार्केट में वोग मास्क, नियो मास्क, टोटोबोबो, रेस्प्रो, वीनस और 3M जैसी कंपनियों के अच्छे मास्क माने जाते हैं। क्वालिटी के हिसाब से इनकी कीमत 150 से 5000 रुपये तक हो सकती है। 5 साल से कम के बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए इन्हें एयर पोल्यूशन से रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए आप इन्हें बाहर ज़्यादा ना ले जाएं।
बूढ़े लोगों को बिगड़ती हवा काफ़ी परेशान कर सकती है। पॉल्यूशन लेवल बढ़ने पर बाहर जाने से बचें। धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलें। धूप निकलने पर हवा में पॉल्यूशन लेवल नीचे आने लगता है। अगर आप किसी बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो रेगुलर लेते रहें। ऐसा नहीं करने पर आपकी हालत ख़राब हो सकती है। सर्दी के मौसम में ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, प्राणायाम और योग करना ही काफ़ी होगा। सर्दियों में बाहर निकलना भी पड़े तो अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाकर निकलें। ज़्यादा भीड़ और पॉल्यूशन वाली जगह पर ना जाएं। अगर बाहर जाना ही पड़े तो टू व्हीलर या ऑटो में सफ़र करने की बजाय टैक्सी या कंट्रोल माहौल वाले मेट्रो या एसी बसों में ही यात्रा करें। ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल एन ग्रुप को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। इसी के साथ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।